और सामने जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये अपना टाटा कंपनी की तरफ से आने वाला एस गोल्ड, और ये गोल्ड में भी अपना सीएनजी 2.0 है। क्या है गोल्ड, क्या है सीएनजी 2.0, सारा आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लो गोल्ड लिखा हुआ है, और इधर आप लोगों को सीएनजी 2.0 मिल जाता है। ये हो जाती है टोटल बात। अब यहाँ पे क्या है, ये टाटा का जो अपना ए से पहले या तो पेट्रोल में आता था या डीजल में आता था या सीएनजी में आता था। अब सीएनजी 2.0 जो अपना गोल्ड है इसमें क्या है कि आप लोगों को पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी मिल जाएगा, तो उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी अपने टाटा इसके मॉडल्स खड़े हैं उन सब पे, या कोई और व्हीकल है टाटा का, उन सब पे वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं, कमेंट करके बता दें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सामने आप लोगों को फ्रंट फेशियल इस तरीके का मिलता है, सामने बंपर मिल जाता है अपना प्लास्टिक में, यहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्टिव टेप मिल जाती है, यहाँ पे बीच में नंबर प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों के फोग लैंप्स आ जाएंगे अगर आप लगवाना चाहो तो, बाहर से लगे आते हैं। ऊपर पीस लिखा हो इधर मिल जाएगा आप लोगों को, गोल्ड लिखा हो इधर मिल जाएगा, गोल्ड कलर में मिलेगा पूरा। बाकी अगर हेडलाइट्स की बात करते हो बाद में, आप एक बार पहले इसकी विंडशील्ड देख लो, दो वाइपर्स मिल जाते हैं आप लोगों को इस तरीके की, काफी बड़ी विंडशील्ड मिलती है विजिबिलिटी के लिए, और इधर आप लोगों को सीएनजी का लोगो मिल जाता है, ऊपर पूरी प्लेन रूफ मिलती है। यहाँ पे एस हो गया। हेडलाइट की बात करें तो काफी बड़ी हेडलाइट है, हेलोजन में रहेगी, ऊपर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, साइड में काफी क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है प्यारा सा लुक देने के लिए, ताकि लगे कि हाँ भाई आप लोग किसी अच्छे व्हीकल में बैठे। डायमेंशन की अगर बात करूँ मैं एक बार इसकी, तो लंबाई आप लोगों को 13.3 फीट, चौड़ाई जो रहेगी वो 4.9 फीट, और जो हाइट रहेगी वो 6 फीट की रहेगी। एंड साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें 160 mm का जो है अपना ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर आप लोग किसी ऊंची जगह पे जाओगे, ऊपर खड़े हो जाओगे, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है, गाड़ी नहीं डिगी। बाकी मैनुअल्स अपने ORM मिल जाते हैं, इस तरह के आप लोगों को हैंडल मिलते हैं। एंड एक बार अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ भाई, प्राइवेट गाड़ी से किसी कंपनी से लगते नहीं, कमर्शियल बैठे। बाकी सामने आप लोग को पट्टा कमाने मिल जाती है, और अगर टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें अपने ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिनका रेडियस रहेगा 145 R12, 12 इंच के यहाँ पे आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। स्टील व्हील रिंग, और सामने आप लोगों को यहाँ पे सीट कमरे टायर मिलते हैं, सामने अपने डिस्क ब्रेक रहेंगे, और पीछे अपने ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। सही सुन रहे हो भाई, सामने डिस्क रहेंगे, अपने पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पे भी आप लोगों को एक इंडिकेटर मिल जाता है सेफ्टी के लिए, और पीछे आप लोगों को वहाँ पे एक विंडो मिल जाती है अपने वेंटिलेशन वगैरह के लिए। बाकी यहाँ से आप लोग देख सकते हो पीछे का इसका जो कार्गो बॉडी है वो किस तरह की रहेगी। 2 साल और 72,000 किलोमीटर की आप लोग इस पर वारंटी मिल जाती है। पीछे अपने ड्रम ब्रेक रहेंगे, और यहाँ पे भी आप लोग को पट्टा कमानिया मिलती है, और आप लोग सामने देख सकते हो एक सीएनजी सिलेंडर अपना ये रहा, और एक सीएनजी सिलेंडर वहाँ पीछे रहा। सीएनजी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को इसमें 70 लीटर यानी कि 12 किलो की सीएनजी मिल जाती है, और ये अपने जो रहेंगे अपने फाइबर के रहेंगे। बाकी जो कार्गो एरिया है ये भी आप लोगों को काफी सही मिलता है। इसकी लंबाई वगैरह मैं बता देता हूँ, चलो एक बार, लंबाई 8.5 फीट, चौड़ाई आप लोगों को 4.9 फीट, और जो ऊंचाई मिलती है वो 1 फीट की मिल जाती है आप लोगों को। खोलना भी काफी आसान है, ये देखो ये खोला, और इतना कुछ आप लोगों को स्पेस मिल जाता है। अगर इसमें पेलोड की बात करूँ तो 650 की जो का पेलोड जो है वो आप लोग इसमें रख सकते हैं। हाइट वगैरह मैंने आप लोगों को बताई दी, 8.2 फीट लंबाई है, चौड़ाई 4.9 फीट, और हाइट 1 फीट की मिल जाती है। तो 640 kg जो कंपनी बता दी, यानी 650 kg जो सामान है वो आप लोग इसमें आराम से रख सकते हो, उतने की पासिंग है मतलब। गाड़ी तो और में भी कैपेबल है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को MPGA की बैजिंग मिल जाती है, CNG का स्टिकर आप लोगों को इधर मिल जाता है, दिखने में काफी सही है। अपने ऐसे नॉर्मल छोटे मोटे एरिया होते हैं वहाँ पे आप लोगों को सामान लेके जाना सब के लिए काफी सही है। आप लोग रिवर्स लाइट मिल जाती है, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और कुछ ताकि वो नीचे तो गिरे ना। यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर, रिफ्लेक्टिव लाइट और बैक लाइट मिल जाती है आप लोगों को। बाकी यहाँ पे आप लोग स्टेपनी पीछे तरफ मिलती है, सेम प्रोफाइल की मिलती है आप लोगों को 12 इंच की, और सामने आप लोग सीएनजी का सिलेंडर देख पा रहे हो। 2 सीएनजी सिलेंडर है, मैंने आपको बताया 12 किलो की कैपेसिटी मिल जाती है सीएनजी की, यानी कि 70 लीटर की, और यहाँ से आप लोग इसे भरवा सकते हैं। बाकी पेट्रोल जो है वो आप लोग यहाँ पे मिलता है, और पेट्रोल में आप लोग यहाँ पे 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है अपना। साथ में यहाँ पे आप लोग की बैटरी मिल जाती है, और ये है अपना एयर फिल्टर, अपना एयर इंटेक, ऊपर तरफ आप लोग यहाँ पे एयर इंटेक मिलता है। इस तरीके से सामान आप लोग से वो सब मैंने बता दिया, और दो यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर आते हैं, 2 साल 72,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अब चलते हैं एक बार अंदर इंटीरियर की बात करते हैं। यहाँ से देख लो आप इंटीरियर कुछ इस तरह दिखता है। एक बात अच्छी, टाटा ने अपने कमर्शियल व्हीकल पे काफी ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है कि बस खाना पूर्ति कर दी, अच्छा इंटीरियर बनाता ताकि आप लोगों को लगे हाँ आप कोई व्हीकल बना रहे हैं, चला रहे हैं और प्राइवेट व्हीकल है वो कमर्शियल ही है, वो तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। जैसे सीट को आप लोग यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं अगर आपकी हाइट कम ज्यादा है, दो आप लोग को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, हेडरेस्ट भी नहीं एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग अपनी हाइट के हिसाब से, तो वो एक काफी अच्छी बात है। काफी सॉफ्ट सीट्स मिलती है आप लोगों को। बाकी यहाँ पे आप चलो ये तो अपने फ्यूज का हो गया, ये जो अपना आप देख पा रहे हो अपने हेडलैम्प लेवलिंग का है, उसके लिए मिल जाता है पीछे सामान रखे, तो आप लोग अपने हेडलाइट्स को लेवल कर सकते हो। बाकी इंटर देखो काफी प्रीमियम है, ऐसा लगता नहीं कि घटिया प्लास्टिक है, चीप सस्ता प्लास्टिक यूज किया। इसमें आपको हेडलैम्प मिल जाती है, अपने रियर व्यू मिल जाता है, बाकी एक ड्राइविंग हैंडल है, ये जो है टाटा आर्मरेस्ट कहता है, और यहाँ पे आप लोगों को सेकंड ड्राइवर के लिए मिल जाता है पीछे स्टोरेज स्पेस और एक फायर एक्सटिंग्विशर, 2 की यहाँ पे पासिंग आती है, और यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस, सामने आप लोगों को USB पोर्ट मिल जाता है फोन वगैरह चार्ज करने के,
और ये इसका नॉन एसी वेरिएंट है। यहाँ पे फिर आप लोग ये जो अपना पार्ट है ग्लोव बॉक्स है और ये अपना लॉकेबल है, चाबी निकालो इधर आप लोग यहाँ पे फिट कर सकते हो। और ये देखो इसमें आप लोग सामान वगैरह रख सकते हो, ये अपना लॉकेबल रहेगा तो ये एक अच्छी बात है। अपना इंपॉर्टेंट सामान ना तो वहीं यहीं पे रख दो आप, बाकी फोन वगैरह का सारा आप लोग कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो आप लोगों को वॉक थ्रू कैबिन मिल जाता है सामने वो अपने टूल्स पड़े, गियर इसके मिलते हैं 1 2 3 4 और रिवर्स पीछे करके राइट, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है और डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफी सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील आप लोग चला के देखना। ये देखो डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉरन के आप लोगों को इसमें मिल जाता है प्रोविजन और कुछ नहीं है। और सामने इस जगह डिजिटल मीटर मिलता है आप लोगों को, ये डिजिटल मीटर आप लोगों का अपना जो अपना एस है इसमें अपना इंट्रा इन सब में सेम रहेगा, वाइपर्स और हेडलाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं और इस तरीके डिजिटल डिजिटल मीटर मिलता है। अब ये आप लोगों को एस इंट्रा वगैरह सब में मिलता है लेकिन भाई दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। ये देखो पास से दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके का दिखता है। बंद करोगे तो नीचे आप लोगों को टाटा मोटर्स लिखा हुआ भी आएगा और ब्लू में वो आप लोगों को ग्लो भी करेगा, और ऑन करोगे तो इस तरीके लिखा आता है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की डिजिटल रहेगी, बीच में आप लोगों की ऑरेंज कलर में स्पीड कितनी है वो आ जाएगी, फिर ऑडोमीटर में यहाँ पे जो आप लोग आया ये है इन्फॉर्मेशन, इसमें यहाँ पे आप लोग क्यों इतना फ्यूल है आप लोगों की सीएनजी में, कितना पेट्रोल है, कितना आप लोगों का जो व्हीकल है वो चला है, वो सारा टाइम क्या है, कितना ट्रिप ए ट्रिप भी जो है वो, ये सारा आप लोगों को इसी डिजिटल मीटर में दिखा देगा। ये है गियर, जैसे एक बार मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये हमने लगाया फर्स्ट गियर। और ये भी नहीं कि आप लोगों को इसे पेट्रोल में ऑन करना है, पहले आप चाहो तो सीएनजी में ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने अभी सीएनजी लगा दिया, तो ये देखो जरूरी नहीं कि आप लोग पेट्रोल में ऑन करो, आप चाहो तो सीधा सीएनजी में ऑन करो, चाहो तो सीधा पेट्रोल में ऑन करो, तो ये भी आप लोगों को मिल जाता है। और ये अपना जो इंट्रा आया था ना V20 गोल्ड, वहां से सबसे पहले आया था और उसके बाद अब ये सारे व्हीकल्स में आ रहे हैं। अभी थोड़ी ऊबर खाड़ी सड़क है तो मैं इतना ज्यादा भगा नहीं रहा हूँ, एक्चुअली ग्राउंड ही है ये तो, लेकिन एक बार आप लोग देख लो इस तरीके से चलता है। और जो अपना टर्निंग रेडियस है वो भी इसमें काफी ज्यादा कम मिलता है आप लोगों को। अभी एक खास चलाने का सोचता हूँ ना, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं तो थोड़ा डर तो लगता है, देखो अपनी गाड़ी चलाने में कहीं इधर उधर हो ना जाए, लेकिन चलाने में स्मूथ काफी है। आप लोग जब स्टेयरिंग की कटाई करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे अपना जो प्राइवेट व्हीकल नहीं होता उसको चला रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं कि कमर्शियली जैसे होता है ना स्टेयरिंग हार्डनेस घुमाते टाइम, तो वो आप लोगों को इसमें फील नहीं होती, हालांकि छोटा व्हीकल है। और अब इसकी कीमत वगैरह की बात कर लेते एक बार, तो अगर आप लोगों को इसको लेना है अपना सीएनजी गोल्ड, तो इसकी दिल्ली की ओनर एक्सशोरूम कीमत आज की डेट में आप लोगों की 6,40,000 रुपये पड़ती है। 6,40,000 रुपये में ये पूरा आप लोगों को एक सौदा मिलता है, कैसा लगता है कैसे नहीं है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी चाबी सब वगैरह मैंने आपको दिखा दी। इंजन की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 4-स्ट्रोक वाटर कूल्ड मल्टी पॉइंट गैस इंजेक्शन अपना डेडिकेटेड सीएनजी इंजन मिलता है, जो कि आप लोग 700 cc का इंजन है और ये आप लोगों को सीएनजी प्लस पेट्रोल में मिलता है। पावर की बात करूँ तो अपने पेट्रोल में यहाँ पे 22 kW की और सीएनजी में 18 kW की, और टॉर्क की बात करूँ तो पेट्रोल में 55 Nm की और सीएनजी में अपनी 49 यानी 50 Nm की आप लोगों को टॉर्क निकाल के दे दे। नाउ ग्रेडेबिलिटी की बात करें, यानी कि कितनी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, कितनी ढलान पे चढ़ सकते हैं, तो वो आप लोग इसमें 30% की मिल जाती है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, कीमत आपको बता दी। अब इसमें ये आप लोगों को टाटा एस का प्रोडक्ट जो है ना टाटा एस गोल्ड सीएनजी 2.0 ये कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी यार ये जरूर बताओ, था कि अगर आपको कमी पेशी है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पूरा कर दूँ और आप लोगों को वीडियो एकदम बेस्ट मिले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।